Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and I hope you are in great, great health, guys. So today's cue card is describe a time when you felt embarrassed. यहाँ पर हमने एक ऐसा experience share करना जहाँ पर हमने embarrassment feel की थी. And sub cues are when it was ये कब की बात है? What made you feel embarrassed? कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको embarrassment feel हुई? And the last one is what you did then? कि आपने फिर क्या किया था वहाँ पर? बिफोर वी सारैपल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो लेट्स बी द वीडियो गायस आई एम लेवल हेडेड पर्सन एंड नॉट द वन टू इजीली फील अनकंफर्टेबल था जो बहुत काम और शांत रहता है कि मैं एक लेवल हूँ मैं इजिली अनकम्फर्टेबल नहीं होता किसी के साथ एवरी इंडिविजुअल फेसिस डिफिकल्ट सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ एंड समाइम्स ही और शी फील्स वेरी ऑर्कवर्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वॉन्ट टू फॉरगेट अबाउट दैट सिचुएशन कि हम सभी किसी न किसी लाइफ की स्टेज पर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे फेस करते हैं जहाँ पर हम थोड़ा एम्बेरसमेंट थोड़ा ऑकवर्डनेस फील करते हैं और हम चाहते हैं कि किसी को ये सिचुएशन याद नम भी ये चीज़ भूलना चाहते हैं एंड टूडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वन सच एक्सपीरियंस वेन आई फेल्टंबेरस्ड और यहाँ पर मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने एम्बेरसमेंट फील की थी वेन आई वॉज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अबाउट टू ईर्स अगो आई यूज टू बोरो अ लॉट ऑफ बुक्स फ्राम माई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड रिटर्न दैम ऑल ऑन टाइम आफ्टर रीडिंग दैम कि जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था दो साल पहले तो मैं काफ़ी लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करता था और टाइम पर रिटर्न भी कर देता था बट वांस आई बोरोड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई हैव टू रीड इट एट लीस्ट हाफ अ डजन ऑफ टाइम्स कि एक बार मैंने एक बुक बोरो की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने हाफ अ डजन मीन छः बार कम से कम उसको पढ़ी होगी सो आई कैप्ट एक्सटेंडिंग द रिटर्निंग डेट फॉर दिस बुक अगेन एंड अगेन एंड इट कैप्ट्रेडिंग अनटिल सडनली आई लॉस्ट इट वन डे तो मैं क्या करता रहा जो रिटर्निंग uh, डेट थी मैं उसको एक्सटेंड करता रहा टाइम एंड अगेन और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सडनली मेरे से ये बुक गुम हो गई आई थिंक आई लॉस द बुक बिकॉज आई कैरीड इट विद मी टू ऑल काइंड ऑफ प्लेसेज और मुझे लगता है कि ये बुक मेरे से इसलिए गुम होगी क्योंकि मैं इसको हर जगह कैरी करके लेके जाता था अपने साथ साथ इसको लेकर जाता था बट लेटर रेड आई नो दैट वन डे आई वुड लीव दैट बुक बाई मिस्टेक इधर एट वन ऑफ़ दोज प्लेस आई विजट और इन अ बस वाइल विजटिंग दोज प्लेस यहाँ पर हमने बताया कि मुझे कभी ये लगा ही नहीं रियलाइज नहीं हुआ कि कभी मैं बुक अपनी छोड़ दूंगा मैं जौन सी भी प्लेस पर विजिट करता हूँ जहाँ बस के थ्रू ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पर मैं कभी ये बुक छोड़ दूँगा एनी वे फाइनली द टाइम अराइव फॉर मी टू रिटर्न दैट बुक टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक्सेप्ट ऑफकोर्स आई टू रिटर्न कि फाइनली टाइम आ गया डेट uh, आ गई कि जब मैंने वो सबमिट करनी थी बुक बट मेरे पास कोई बुक थी ही नहीं लाइब्रेरी को देने के लिए सो सींग नो वे आउट आई डिस्क्राइब वट हैड एग्जैक्टली हैप्पन टू द लाइब्रेरियन बट एज सुन एज आई फिनिश टाइलिंग द इंसिडेंट टू दैट लाइब्रेरियन जेंटलमैन ही स्टार्टेड टू ये ऐट मी इन अ लाउड वॉइस कि मुझे जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने फाइनली उनको बता दिया जो एग्जैक्टली exactly हुआ था कि मेरे से बुक गुम हो गया और जब मैंने ये सब कुछ बताया तो वो जो लाइब्रेरियन था वो मेरे पे येल करना शुरू कर दिया मतलब मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया एक हैवी वॉइस में लाउड वॉइस में मेरे से बोलने लग गया टेलिंग हाउ इ रिस्पॉन्सिबल आई रियली वॉल उसने बताया कि मैं कितना इ रिस्पॉन्सिबल हूँ हाउ एवर आई जस्ट केप्ट क्वाइट एज लॉन्ग एज ही येल्ड एट मी नोइंग दैट इट वॉज माई फॉल्ट कि मैं चुप खड़ा रहा जितनी देर उन्होंने मेरे पे चिल्लाया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी ही गलती है नीडलेस टू से आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड एंड अनकम्फर्टेबल इन दैट सिचुएशन इवन दो आई मस्ट से दैट आई वॉजन एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ हार्श रिएक्शन फ्रॉम दैट लाइब्रेरियन कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना ऑकवर्डनेस मैंने वहाँ पर फ़ील की इस सिचुएशन में और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना हार्श मेरे को बोलेगा लाइब्रेरियन बट दैन आई टोल टू माई सेल्फ दैट आई डिजर्व दैट काइंड ऑफ टफ टॉक्स एंड बिहेवियर टू सम एक्सटेंड एज आई वॉजन केयरफुल इनफ टू कीप दैट बुक सेफ और एंड में मैंने खुद को कहा कि हाँ मैं ये डिजर्व करता हूँ ऐसे टफ टॉक्स क्योंकि मैंने अच्छे से बुक को रखा नहीं और मैंने घुमा दिया सो दैट्स इट गायज़ ये था हमारा सैम्पलास रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गायज प्लीज हट दब्सक्राइब बटन एंड डोंट फर्गेट टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यून द नेक्स्ट वीडियो गायस टिल देन टेक केयर गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज